तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का मोशन इन टू डायमेंशन का पार्ट थ्री, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, और हमने थ्री केसेस देखा था। फर्स्ट केस था ऑब्लिक प्रोजेक्शन, दूसरा केस था प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, और तीसरा केस था प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो इस केस में है, यदि कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, यदि प्रोजेक्टाइल को हम किसी एंगल पे, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे फेंक दिए, तो फिर फार्मूला क्या होगा। सो विल गिव टेक द डेरिवेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑब्लिक प्रोजेक्शन का टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला फाइंड किया था। इस सिचुएशन में हमारे पास है एक इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है दैट इज अल्फा, और अब ऑब्जेक्ट को फेंकना है एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। तो मान लीजिए ये है प्रोजेक्टाइल, इसको यू वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा विद द इंक्लाइंड प्लेन। थीटा वो बेस के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है, द थीटा इज द एंगल फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल का मोशन कुछ इस तरह का होगा, इट विल हिट समवेयर एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस सिचुएशन में यदि हमसे पूछा जाए व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से होते हुए ए तक गया, और ए से होते हुए फिर कहाँ गया, बी तक। तो ओ टू बी तक जाने में जो टाइम लगा दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इन केस ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो हमको फाइंड करना है कि ओ टू बी तक जाने में कितना टाइम लगा, यही हमको टाइम फाइंड करना है, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, यहाँ पे हाइट क्या होगा, हाइट इज दिस मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ये है, कितना है, कैपिटल एच। और रेंज इस बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, रेंज इज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, और वो रेंज कितना होगा, ओ टू बी तक डिस्टेंस जो है दैट इज नोन एज रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। कई बार इस रेंज को हॉरिजॉन्टल रेंज कुछ लोग बोलते हैं, बट दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो रेंज नहीं है, रेंज इज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। सो बेसिकली हमको तीन फार्मूले फाइंड कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल व्हाइल मूविंग फ्रॉम ओ टू बी, दूसरा फाइंड करना है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन दैट इज अ कैपिटल एच, एंड वी नीड टू फाइंड द रेंज अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए हमने एक्सिस सिस्टम को ही चेंज कर दिया है। पहले हमने एक्सिस सिस्टम कैसा लिया था, लास्ट केस में ऑब्लिक प्रोजेक्शन में इधर था क्या x और इधर था y, हॉरिजॉन्टल में x लिए थे, वर्टिकल डायरेक्शन में y। बट ऐसे सिचुएशन में हमको फार्मूला डिराइव करने के लिए हमने एक्सिस सिस्टम को ही पूरा चेंज कर दिया, नाउ द x एक्सिस इज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड द y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के साथ 90 डिग्री पे है हमारा क्या y एक्सिस। तो अभी हमको यहाँ पे फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसा करने से या एक्सिस सिस्टम को चेंज करने से बेसिकली जी की वैल्यू चेंज हो जाएगा, किसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जी का वैल्यू कितना होगा थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट विल सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। सो सपोज दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, और इस बार ये एंगल दिया हुआ है आपको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना, अल्फा। जी की वैल्यू पहले वाई डायरेक्शन में होता था माइनस जी, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू होता था कितना, वो होता था जीरो, क्योंकि एक्स में कोई फोर्स नहीं लगता है, ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो ये वाई में जाएगा, एक्स में नहीं जाएगा, इसीलिए एक्स डायरेक्शन में पहले एक्सेलरेशन था जीरो, और वाई में एक्सेलरेशन नीचे है इसलिए लिखते थे माइनस जी। बट नाउ द सिनेरियो हैज चेंज्ड, अब एक्स एक्सिस है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और y एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो g की वैल्यू कितना होगा x की तरफ और y की तरफ, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो g की वैल्यू यदि ध्यान से देखें तो पहले इस डायरेक्शन में होता था वर्टिकली बिलो, कितना है ये, g है। अब यदि ध्यान से देखें तो ये एंगल है अल्फा, तो ये हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ओके, g की वैल्यू तो वर्टिकली डाउनवर्ड होते हैं, तो ये है g की वैल्यू। So this is the value of g which is in the vertically downward direction. This angle is 90, this angle is alpha. So this will be 90 minus alpha. ये यदि 90 minus alpha है तो ये वाला angle जो कि 90 surface के साथ है तो ये angle कितना हो जाएगा, alpha.
ओके, दिस एंगल इज अल्फा, ये कितना है 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, और एक लाइन लिए जो कि सरफेस के साथ 90 पे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा। कैसे, ये है 90 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा, तो कितना हो जाएगा टोटल 90, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस जी का दो कंपोनेंट है बेसिकली, एक है इस डायरेक्शन में और दूसरा है इस डायरेक्शन में। यदि ध्यान से देखें तो इस डायरेक्शन में जी का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज जी, ये है जी, और एंगल अल्फा पे जी की वैल्यू चाहिए, तो जिधर एंगल होता है उधर कॉस से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इधर क्या हो जाएगा जी कॉस अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ जी अलोंग द इंक्लाइंड, वो जाएगा जी साइन अल्फा। अब हमको जी की वैल्यू एक्स और वाई डायरेक्शन में पता चल गया, तो एक्स डायरेक्शन में वैल्यू ऑफ जी लिख रहे हैं, शो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं ए एक्स, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। अब एक्स इधर पॉजिटिव है बट जी की वैल्यू इधर है, एक्स इधर क्या है पॉजिटिव और जी की वैल्यू इधर है, तो नेगेटिव एक्स में हो गया, एक्स यदि जी की वैल्यू यदि इधर होता तो पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट है इसलिए माइनस, और वैल्यू कितना है जी साइन अल्फा, बट माइनस ले रहे हैं क्योंकि एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में। उसी तरह वाई डायरेक्शन में कितना है, तो y इधर पॉजिटिव है और g के वैल्यू इधर है, कितना है g cos, इसलिए अपोजिट होने के कारण माइनस, कितना g cos अल्फा। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू, जो कि एक्सिस चेंज करते ही एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया। ओके, नाउ द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन दैट इज g sin अल्फा एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन दैट इज माइनस g cos अल्फा। अब हम फाइंड कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, बट उसके पहले इस वेलोसिटी को भी हम ब्रेक कर ले रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी x और y में कितना है। सो u है और ये एंगल है थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द इंक्लाइंड, तो इधर कितना आ जाएगा बालक बताओ, u का कंपोनेंट इधर आ गया, कितना u cos थीटा, एंड द कंपोनेंट ऑफ u अलोंग y डायरेक्शन कितना हो जाएगा u sin थीटा। ओके, तो u को हमने ब्रेक कर लिया इन x डायरेक्शन एंड इन y डायरेक्शन, सो वी हैव नाउ द इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना है, u cos थीटा, एंड इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है u sin थीटा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, ये सब हमको यूज होने वाला है जब हम फार्मूला डिराइव करें। नाउ वी आर डिराइविंग द फर्स्ट फार्मूला, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला फार्मूला निकाल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, यानी बेसिकली ऑब्जेक्ट को O से B तक जाने में कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट रिटन बाय कैपिटल T। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम जो इक्वेशन यूज करने वाले हैं, अगेन विल यूज द इक्वेशन, ध्यान से यदि देखें तो O टू A, यदि O टू A गए तो A पॉइंट से और ऊपर ये नहीं जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, ए से इधर ऊपर वाई डायरेक्शन में जा रहा है क्या, नहीं, तो वाई डायरेक्शन में नहीं गया, क्यों, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई इस पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट पॉइंट ए दैट इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी एट, इनिशियल मतलब ओ पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में कितना है यू साइन थीटा, और ए को यदि फाइनल है तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है जीरो। अच्छा, ओ टू बी तक जाने में वही टाइम लगेगा, यदि टाइम टी लग रहा है तो ओ टू ए तक जाने में आधा टाइम लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, इफ वी टेक द मोशन फ्रॉम ओ टू ए, मोशन फ्रॉम ओ टू ए, तो ओ बन गया इनिशियल और ए बन गया फाइनल। नाउ विल राइट द फार्मूला, फार्मूला क्या है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं, मोशन किस डायरेक्शन में ले रहे हैं वाई, तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, एक्सेलरेशन इन वाई। ओके, अब टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइनल वेलोसिटी इन वाई, फाइनल मतलब ए पॉइंट, अब वाई डायरेक्शन पे ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है जीरो, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल मीन्स ओ, तो ओ से वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है यू साइन थीटा। ओके, प्लस प्लस एक्सेलरेशन इन वाई, इनक्लाइंड में एक्सेलरेशन इन वाई कितना आता है, ये आ गया माइनस जी कॉस अल्फा। और ओ टू ए तक जाने, ओ टू बी तक यदि टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है, तो ओ टू ए तक टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टी बाई टू। ओके, तो यहाँ से यदि सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है, इधर आके बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा
जी कॉस अल्फा टी बाई टू दैट इज टू साइन थीटा. सो वट इज टी, टी कितना हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई कर दो, टू यू साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा. तो ध्यान से देखें तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन के जैसा ही फार्मूला है, बट एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया. क्या आ गया वो टर्म, कॉस अल्फा. ऑब्लिक प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला क्या था, टू यू साइन थीटा बाई जी, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म क्या गया, कॉस अल्फा. नाउ द फार्मूला इज टू यू साइन थीटा बाई जी तक नहीं है, जी कॉस अल्फा है, एक्स्ट्रा एक टर्म आ गया दैट इज कॉस अल्फा. ओके, तो ये हो गया फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. अब हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट कितना है, यानी कैपिटल एच का फार्मूला हमको डिराइव करना है. सो नाउ वी नीड टू फाइंड द फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट अबव द इंक्लाइंड प्लेन कितना गया. तो इसके लिए हम फिर से मोशन ले रहे हैं O टू A. अगेन वी हैव मोशन फ्रॉम O टू A. ओके, क्योंकि y डायरेक्शन में हाइट है इसलिए हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे किधर, y डायरेक्शन. द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज हाइट जो है वो y डायरेक्शन में, इसलिए फिर से इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे y डायरेक्शन में. ठीक है, बट इस बार जो इक्वेशन लिख रहे हैं, नाउ वी हैव इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2as, और इस बार किधर ले है, y डायरेक्शन में फिर से. तो क्या हो गया, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, 2 acceleration इन y डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन. याद रखिए मोशन कहाँ से कहाँ तक है, O टू A. तो O बन गया इनिशियल और A बन गया फाइनल पॉइंट. नाउ पुट द वैल्यू. तो फाइनल वेलोसिटी इन y, फाइनल द A, तो A पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, जीरो, तो ये हो गया जीरो. इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल मतलब O, O पे इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना है, दैट इज u साइन थीटा का क्या, स्क्वायर, प्लस प्लस टू टू. एक्सेलरेशन इन y, एक्सेलरेशन इन y इस केस में कितना होता है, दैट इज माइनस जी कॉस अल्फा. सो दिस इज माइनस जी कॉस अल्फा. एंड डिस्प्लेसमेंट इन y, O टू A तक मूव करते y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज इक्वल टू कैपिटल H, और वही हमको फाइंड करना है. सो कैपिटल H, क्लियर है क्या. अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये माइनस वाला टर्म को इधर लेके आ जाएंगे, तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2G H cos अल्फा दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर है क्या, इतना आ गया. अब क्या करना है, हाइट निकालना है. तो हाइट इक्वल टू यहाँ से दिख रहा है आपको, H इक्वल टू कितना दिख रहा है, फाइनल H इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G cos अल्फा. तो ध्यान से देखें तो फिर से एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया. पहले फार्मूला क्या था ऑब्लिक प्रोजेक्शन में, पहले फार्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, बट अब फार्मूला में एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया, कॉस अल्फा. तो याद रखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गया दैट इज डिवाइडेड बाई कॉस थीटा. तो कॉस थीटा एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, सॉरी कॉस अल्फा, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, अल्फा है. बट याद रखेंगे ये तभी है जब हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिए हैं फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन. कई सारे बुक में डेरिवेशन में क्या करते हैं, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी जो थीटा है वो ग्राउंड के साथ ले लेता है, तब उसमें अलग फार्मूले आएंगे. बट यदि आप ये पैटर्न फॉलो करें कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है इंक्लाइंड प्लेन का, अल्फा, और इधर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल पे यदि प्रोजेक्ट किए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल सॉरी मैक्सिमम हाइट के फार्मूले में केवल चेंज होगा किसका, कॉस अल्फा का. तो इधर क्या है, इधर है 2u sin theta by g, ये पहले फार्मूला था, एक्स्ट्रा टर्म में क्या आ गया, cos alpha, और हाइट के फार्मूले में क्या आ गया, u square sin square theta by 2g, एक्स्ट्रा टर्म में क्या आ गया, ये आ गया cos alpha. अब बच गया रेंज, रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन. तो ये फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, ये फार्मूले में cos alpha से केवल डिवाइड करने से नहीं चलेगा. सो विल टेक द फार्मूला फॉर रेंज. रेंज का क्या फार्मूला आएगा, थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, बट वैल्यू याद आना चाहिए. x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको याद है, इसलिए मैंने हटा दिया. ओके, तो अब देखते हैं, अब फाइंड करना है हमको रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन. वी नीड टू फाइंड रेंज, रेंज फाइंड करना है. ओके, तो ध्यान से देखते रहिए फार्मूला.
अच्छा रेंज जो है दैट इज इन एक्स डायरेक्शन, रेंज किस डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में नहीं है रेंज. सो बेसिकली इन दिस सिचुएशन वी नीड टू अप्लाई द इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, हमको इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में क्योंकि रेंज इस बार किधर है, एक्स डायरेक्शन में. ओके तो लीजिए थोड़ा एग्जांपल, हम फिर से कहां मोशन ले रहे हैं, एक्स में रेंज कब आएगा, जब मोशन लेंगे ओ टू बी, तो इस बार हमको मोशन लेना पड़ेगा ओ टू बी. सो नाउ वी हैव मोशन फ्रॉम O to B. O बन गया इनिशियल और B बन गया फाइनल. O बन गया इनिशियल एंड B इज द फाइनल. तो इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन ये अप्लाई कर रहे हैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट x डायरेक्शन में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इन x, इनिशियल वेलोसिटी इन x, एक्सेलरेशन इन x. अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो O बन गया इनिशियल और B बन गया फाइनल. तो O टू B तक डिस्प्लेसमेंट इन x जो हुआ उसी को क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं. तो डिस्प्लेसमेंट इन x को क्या लिखेंगे, रेंज. इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना है, दैट इज u cos थीटा. तो यहाँ पे कितना पुट कर दीजिए, u cos थीटा, ओके होल होल प्लस सॉरी टाइम. अच्छा O टू B तक जो जाने में टाइम लगा, O टू B तक जो जाने में टाइम लगा, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट. उसी टाइम को नाम क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट. तो टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट, U हो गया U cos थीटा, टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट. और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमने अभी डिराइव किया, कितना आया था, यह आया 2u sin theta by g into cos alpha, ये फार्मूला आया. उसके बाद इधर क्या है, प्लस प्लस और क्या है, हाफ हाफ. एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आया था, जी साइन अल्फा, बट नेगेटिव में, इसलिए ये है माइनस जी साइन अल्फा है क्या. और टाइम का स्क्वायर, तो टाइम है कितना, टाइम है 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा का क्या स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर है ना, तो इधर क्या आ गया, टाइम स्क्वायर. ओके तो ये इक्वेशन है. अब इसमें क्या क्या टर्म कॉमन दिख रहा है वो थोड़ा कॉमन लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा. ओके तो आर को आर रहने दीजिए. अच्छा क्या कॉमन आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, यू और यू, यू स्क्वायर है. अच्छा इधर भी यू का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर बाहर आ गया. ओके अच्छा और क्या कॉमन आएगा, इधर है टू, इधर टू का स्क्वायर आ जाएगा फोर, और फोर टू से डिवाइड होके बचेगा टू, तो टू को भी बाहर निकाल दिए. ओके और क्या बचेगा, इधर है कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा है क्या, नहीं. अच्छा इधर है साइन थीटा, इधर भी है साइन थीटा, तो साइन थीटा बाहर आ गया, साइन थीटा बाई बाई जी कॉस अल्फा, और इधर भी है जी कॉस अल्फा. तो ये बेसिकली हमने ये वाला टर्म पूरा बाहर निकाला, बट यू के जगह पे क्या ले लिया, यू स्क्वायर, इधर भी क्या है यू स्क्वायर, तो ये बाहर आ गया. क्या बच जाएगा इस, इधर से क्या बच गया, ये पूरा तो हमने कॉमन ले लिया, यू को भी कॉमन ले लिया, तो बच गया इधर क्या, केवल कॉस थीटा बच गया, कॉस थीटा बचा. ओके प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जी स्क्वायर और जी कैंसिल होके जी हो जाएगा, और जी को हमने बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल यहाँ बचेगा साइन अल्फा, और साइन का स्क्वायर है बट हमने साइन बाहर निकाला है, तो क्या होगा साइन थीटा बाई नीचे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा. तो ये इतना बड़ा टर्म अंदर ब्रैकेट में बचेगा. अब यदि एलसीएम लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली क्या दिखेगा आपको, आर इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या है ये, टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा. अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये यदि एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, माइनस इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, इंटरचेंज करके लिख दिए बाई, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बचेगा केवल कॉस अल्फा. तो ये इतना बड़ा टर्म मेरे को मिला. अब यदि ध्यान से देखें तो ये जो इधर टर्म आपको दिख रहा है कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो ये होता है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला. कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस ए के जगह पे क्या है थीटा, और बी के जगह पे क्या है अल्फा, तो कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, ये पूरा फार्मूला होता है, एंड दैट फार्मूला इज नॉन एज कॉस थीटा प्लस अल्फा. क्या फार्मूला है, फिर से फार्मूला इधर लिख रहे हैं साइड में, ये है फार्मूला, क्या है फार्मूला, कॉस
थीटा प्लस अल्फा या कॉस ए कॉस बी, ए बी के टर्म में लिख रहे हैं ये आप पढ़ेंगे मैथ्स में, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला है कॉस ए प्लस बी का। तो ए के जगह पे क्या है मेरा अभी, ए के जगह पे है थीटा और बी के जगह पे क्या है अल्फा, तो ये पूरा जो ऊपर टर्म देख रहे हैं ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। सो फाइनली वी विल लेफ्ट विद द फार्मूला, क्या मिलेगा हमको, आर आर इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखिए इधर क्या है, टू यू स्क्वायर साइन थीटा, तो इधर हो गया टू यू स्क्वायर और क्या साइन थीटा बाई, नीचे क्या है, नीचे है जी कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि इधर भी कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, और पूरा ये ब्रैकेट क्या बन गया, ये बट गया किसका फार्मूला, ए प्लस बी का, तो ए के जगह पे है थीटा और बी के जगह पे है अल्फा, तो फाइनली क्या मिल जाएगा ये कॉस क्या ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस अल्फा। सो दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर रेंज, और रेंज का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, रेंज का फार्मूला क्या है थोड़ा एक बार पढ़ते हैं, ये है टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हमने बेसिकली तीन फार्मूले डिराइव किए रिलेटेड टू द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड ये तीन फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जब इंक्लाइंड प्लेन पे कोई प्रोजेक्टाइल को हमने फेंक दिया तो क्या क्या फार्मूला हमने निकाला, एक निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा निकाला रेंज और तीसरा निकाला क्या मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। सो दिस वी हैव द